नमस्कार दोस्तों, अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ ही पेपर्स बचे हैं और लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक डिजीज की वजह से अभी उसे स्थगित कर दिए गए हैं। फ्यूचर में ये होंगे जब ये सारी चीजें हट जाएंगी। बच्चे घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अभी आज की ही मैं बात बता रहा हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने, संतोष कुमार साहू नाम है, उसने मुझे कॉल किया और बताया कि सर मैं घर पे बैठे बैठे पकड़ा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आगे क्या करूँ, जबकि मैंने उसकी पर्सनल काउंसलिंग करी थी और उसे सब कुछ बता दिया था। बावजूद इसके ये बच्चा कन्फ्यूज है और फ़ोन किया। मुझे लगा कि आप भी शायद परेशान हो सकते हैं और कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हतोत्साह होने की। जो पेपर्स आपके रुके हैं, वो हर चीज़ जो कभी भी, जब कभी भी आपके मन का नहीं होता तो उनके मन का होता, और वो यानी कि ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं चाहते या आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। तो आप इस वक्त जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वो ये कि अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, मतलब कि आप किन चीजों में बेहतर हैं, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीजें हैं जिसमें आप बेहतर हैं, आपकी वीकनेस क्या है। जब आप वीकनेस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका मिलेगा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें हमारे पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो इस पीरियड में घर बैठे बैठे कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, अगर घर पे नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाता है। आप अपनी स्पीकिंग स्किल पर भी फोकस कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे अच्छे लोगों की, अच्छे इंग्लिश की वीडियोस, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर आपके लिए होगा ही। तो ये आप सबसे पहला काम कीजिए, हतोत्साह प्लीज मत होइए। अच्छा, इसके अलावा क्षमताओं का मैंने आपसे बोला आकलन कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में कमजोर हैं, जिन चीज़ में, इसे SWOT एनालिसिस कहा जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस करवाती है, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या आपके पास स्ट्रेंथ है, वीकनेस का मतलब क्या क्या कमी है, जिसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेंथ को वीकनेस में मत कीजिएगा। अगला है अपॉर्चुनिटीज, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और थ्रेट, आपको किन किन चीजों से लगता है कि नुकसान होगा फ्यूचर में। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत कमजोर है, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, अभी आप घूमेंगे, ऐस मौज करेंगे, लॉकडाउन में आप घर पे बैठेंगे, फालतू की वीडियोज देखेंगे, यहां वहां जाएंगे, दोस्तों से बात करेंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, ब्ला ब्ला वाइन्स देखेंगे, पूरी रात जगे रहेंगे और सुबह आप बैठ भी नहीं पाएंगे ठीक से। ये है आपके हाथ में, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म प्लेजर, यानी कि पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। अभी आप सोच लीजिए, आपके पास वंडरफुल समय, ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप इसका बेनिफिट उठाए। तो आप अपनी कमियों को स्ट्रेंथ में तब्दील कीजिए, और साथ में आप ये पता लगाइए कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, उसी चीज़ के रिगार्डिंग कोर्स कीजिएगा, या फिर अपने आप को करियर में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपको मन है इंजीनियर बनने का, आपकी मैथ्स फिजिक्स ठीक है, घर में पैसे की तंगहाली है, लेकिन आप बनना चाहते हैं कम समय में, तो आप पॉलिटेक्निक कर लो ना, उसके बाद बीटेक कर लेना। बीटेक की जरूरत, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं, एप्टीट्यूड भी, एप्टीट्यूड का मतलब इनबिल्ट क्वालिटी, क्या जो आप करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड में वो लक्षण और गुण हैं आपके पास। जैसे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन आई हेट एक्टिंग, तो मैं कैसे एक्टर बन सकता हूँ, मेरे पास एप्टीट्यूड है ही नहीं, कैमरा देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं रोने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। हाँ, अगर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं तो अच्छी बात है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। मैं एंकर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं हकलाहट की प्रॉब्लम है, बोल ही नहीं सकता। आप एक अपना अलग जेनरे एटीट्यूड आप डेवलप करके आप एक अच्छी करियर बना सकते हैं, जैसे कि मिस्टर बीन, सर चार्ली चैपलिन जैसे लोगों ने किया, महानता को साबित किया, वो चीज़ कर सकते हैं। दैट्स लाइक डेमेंथेसिस के बारे में बात करूँ, द फर्स्ट ऑफिशियल स्पीकर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आप कर सकते हैं दैट, वो चीज़। लेकिन आप क्षमताओं का आकलन जरूर कर लीजिएगा, एप्टीट्यूड का पता लगा लीजिएगा, और उस हिसाब से अपने करियर का चयन कीजिए। मेरी एक सलाह रहेगी कि बेवजह किसी के कहने पर BBA, MBA या कुछ भी आँख मूंद कर मत करना, प्लीज़, बाद में तुम पछताओगे। और ये कोरोना से भी खतरनाक वायरस होता है, एक बार तुम्हारे में आएगा तुम अपने साथ हजारों लोगों को पॉल्यूटेड कर दोगे, प्रदूषित कर दोगे, इन्फेक्टेड कर दोगे। यानी तुम मान लो गलती से पॉलिटेक्निक कर लोगे या बीटेक कर लोगे, क्यों कर लिया, सस्ते में कोर्स मिल रहा था, कॉलेज ऑफर दे रहा था, ये सब भी बहुत होता है समाज में, बच्चे कर लेते, बोलते सर मेरा क्या जा रहा था, सस्ते में हो रहा था। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सस्ते में जहर दूंगा तो तुम ले लोगे, या फिर मैं तुम्हें सस्ते में आपको कूड़ा कवाड़ा खाने के लिए दूं तो क्या तुम खा लोगे, नहीं खाओगे ना, तो कैसे अपने भविष्य के साथ तुम खेल जाओगे। सस्ते में देके मैंने अपने कोर्सेज बेच ली, लेकिन बेवकूफ तो तुम बन गए, मामू तो तुम बन गए, टट्टू गधे तो तुम बन गए। इसलिए सोच समझ कर ये फैसला लेना,
जो भी लोगे और डाउट हो तो हमारे चैनल पे शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत और दूसरा जो हमारा माई करियर डॉक्टर है जहां हम फ्री में अंग्रेजी सिखाते हैं या फिर करियर काउंसलिंग करते हैं, तो आप अपने सवाल यहां भी रख सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। ज़्यादा अर्जेंट लगा तो कॉल करके भी हम आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको। हाँ, तो इन सवालों पर आप जो है वो गौर फरमाइएगा, जो भी आप करें अपने भविष्य का चयन सही से कीजिएगा, ठीक से कीजिएगा। संतोष की तरह काउंसलिंग के बावजूद भी कन्फ्यूज होकर फोन करके ये मत पूछिएगा कि सर क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स हैं उसे रिमूव कीजिए और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाइए, क्योंकि आप अगर शिक्षित होते हैं सही मायने में, यानी कि सिर्फ किताबों को नहीं रटते, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन लेंगे। एक तो होता है करियर बेस्ड एजुकेशन, जो सिर्फ हम जॉब के लिए करते हैं, जितनी जॉब की ज़रूरत है उतने ही पढ़ेंगे। दूसरा नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, अगर आप ये एजुकेशन लेंगे तो आपको ज्ञान होएगा, यानी कि कोई भी जब आप काम करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस ज्ञान में कन्वर्ट होगा और उस ज्ञान को बुद्धि में कन्वर्ट कीजिए ना, फिर कामयाबी। आप अपने लिए रास्ते सही या गलत खुद ही चुन लेंगे, यही तो एजुकेशन का पर्पस है। हो सकता है कि आपने बीटेक किया और बाद में चाय की दुकान की शुरुआत करी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। शायद बीटेक की डिग्री से आपको ये सीखने का मौका मिला कि एक बिजनेस को कैसे किया जाता है, और आप उसको स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल, अपने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल आप चाहें तो चाय के दुकान में भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं इन फ्यूचर में। मान लीजिए आपने मैकेनिकल से करी, आपको चाय पहुंचाने में कहीं दिक्कत होती है, आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप गाड़ी ले सकें, तो आप छोटी मोटी चीज़ों को जोड़ तोड़ करके, बैलगाड़ी को आपने ट्रक का इंजन लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, दिस कर दिया, आपने अगर सही से पढ़ाई करी है तो अपने लिए चीज़ें कन्वीनियंट कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अपने लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे कॉज के लिए होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ दें, हमें अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए और मुझे लगता है कि हम कामयाब जरूर होंगे। अपने आप पर, ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन अपनी क्षमताओं का आकलन जरूर कीजिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।